हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 2 नवंबर और आईपीएल 2020 के लीग मैचेस अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले हैं और हर रोज़ आईपीएल 2020 को लेकर काफ़ी सारी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आ रही हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेऑफ्स का भी क्या सीन चल रहा है। तो सबसे पहले कल हमें आईपीएल 2020 में डबल हेडर मुकाबले देखने को मिले थे। पहला मैच हुआ था सीएसके और केएक्सआईपी के बीच में, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जाते जाते केएक्सआईपी को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अपने साथ वो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को भी साथ में लेकर डूबी, तो ऐसे में केएक्सआईपी की टीम भी आईपीएल 2020 से बाहर हो गई। इसके साथ ही दूसरा मैच हमें देखने को मिला था राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और इस मुकाबले में केकेआर ने ना सिर्फ राजस्थान को हराकर उनको बाहर कर दिया जबकि केकेआर की टीम ने अपने नेट रन रेट को भी काफ़ी ज़्यादा सही कर लिया है। ऐसे में आप अगर दिल्ली कैपिटल्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपने अगले मुकाबले में ज़्यादा बड़े मार्जिन से हारती है और अगर उनका नेट रन रेट केकेआर से यहाँ पर ख़राब हो जाता है तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2020 के टॉप फोर में क्वालिफाई कर जाएगी। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सी चार टीमें आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं। फिलहाल गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में आज होने वाले मैच को लेकर। टॉप टू की रेस के लिए मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीधे सीधे मुंबई इंडियंस के साथ टॉप टू के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन गाइज उससे भी ज्यादा दिक्कत उसके लिए है जो कि इस मुकाबले को हारेगा, क्योंकि इस मैच को हारते ही वो यहां पर आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स से बाहर होने का खतरा उनके ऊपर आ जाएगा। अगर मैच हारने वाली टीम का नेट रन रेट केकेआर के नेट रन रेट से बेटर होता है तो वो यहां पर क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर उनका नेट रन रेट अच्छा नहीं होता है तो फिर उनको डिपेंड रहना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मैच में। अगर उसमें सनराइजर्स की हार होती है तभी ये टीम क्वालिफाई कर पाएगी जो कि इस मुकाबले को हारती है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच होने वाला है। कॉमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, कौन सी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो डीसी और आरसीबी में से। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है एक बार फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 को लेकर। आखिरी के कुछ मैचेस की बात की जाए तो आरसीबी की टीम अपने टीम सिलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा विवादों में रही है। खासकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गुरकीरत मान को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो यहां पर काफी ज्यादा स्लो खेलते हैं और ऐसे में गुरकीरत मान की अब इस मुकाबले से छुट्टी होना तय माना जा रहा है क्योंकि उनकी जगह अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में हमें शिवम दुबे की एंट्री देखने को मिलने वाली है। गुरकीरत मान ने क्योंकि लास्ट मैच में भी काफी ज्यादा धीमी बल्लेबाजी की थी और उसके पहले भी कोई ऐसे सिग्निफिकेंट पारी उन्होंने नहीं खेली है, तो ऐसे में गुरकीरत मान हमें आज के मुकाबले में बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से आज के मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को कौन से बड़े चेंजेस करने चाहिए जिसकी बदौलत वो मैच को जीत पाए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी चौथी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर। पिछले काफी टाइम से ये बात यहाँ पर ऊपर उठ के आ रही है कि रोहित शर्मा को इंजरी के इश्यूज जो हैं वो काफी ज्यादा लंबे चलने वाले हैं और वो आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स में खेलेंगे या फिर नहीं ये बात भी तय नहीं है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने भी यही कहा था कि अगर रोहित आईपीएल का आखिरी हफ्ता खेल जाते हैं तो फिर उनको वापस से रिकंसिडर किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाले टूर के लिए। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने अपनी नेट प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया है और ट्विटर के ऊपर भी रोहित शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट की है मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल हैंडल पर, जहां पर उन्होंने कहा है कि वो आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ऐसे में हमें रोहित शर्मा वहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर वो खेलते हैं तो मुंबई इंडियंस के लिए काफी यहां पर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। कॉमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस के साथ कौन सी वो सेकेंड नंबर की टीम है जो कि 5 तारीख को हमें पहला क्वालिफायर मैच खेलते हुए नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारी पांचवी और आखिरी अपडेट के बारे में जो कि निकलकर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले मैच को लेकर। क्योंकि ये लीग स्टेजेस का आखिरी मैच है लेकिन उसके बावजूद भी इस मुकाबले से ही ये डिसाइड होगा कि कौन सी वो 4th नंबर की टीम होगी जो कि आईपीएल 2020 के प्लेऑफ्स में पहुंचेगी। क्योंकि अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मुंबई इंडियंस को यहां पर हरा देती है तो फिर केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में से जो भी टीम हारेगी उनमें से कोई एक टीम फॉर श्योर आउट हो जाएगी। लेकिन अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को हार जाती है तो फिर केकेआर आरसीबी और डीसी तीनों टीमें हमें प्लेऑफ्स में जाते हुए नजर आएंगी मुंबई इंडियंस के साथ। तो ये था इस मुकाबले का कंप्लीट एनालिसिस, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर कीजिए लाइक और चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।